नमस्कार, मैं हूं मोनिका राठौर और आप देख रहे हैं बॉयज़ एंड। इस वक्त की अपडेट आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति 13 की हॉट सीट पर। मध्य प्रदेश के सागर में तैनात महिला पुलिस अफसर निमिषा अहिरवार की एंट्री हुई है, जहां उन्होंने पहले दिन बुधवार को 1.60 लाख रूपए जीत लिए। निमिषा का कहना है की उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था की केबीसी की हॉट सीट पर बैठी। उन्होंने माँ के कहने पर 9 मई को केबीसी में रजिस्ट्रेशन करवाया। पुलिस सब इंस्पेक्टर निमिषा ने बताया कि उनका पुलिस में चयन साल 2015 में हुआ था। उसके बाद वे ट्रेनिंग के लिए सागर आई, बाद में ही पॉजिटिव हुई और शादी हो गई। इसके बाद काम की वजह से पढ़ना लिखना छूट गया था, लेकिन माँ ने हर वक्त कुछ न कुछ करने की प्रेरणा दी। माता पिता हमेशा केबीसी देखते थे, इसलिए उन्होंने मुझे भी केबीसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा। निमिषा ने बताया कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन ये नहीं पता था कि सिलेक्शन भी हो जाएगा। सागर के सब इंस्पेक्टर निमिषा ने कहा कि इंटरव्यू के बाद मुझे केबीसी से बुलाया गया। अब चुनौती थी कि तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी पर 1.5 साल के बेटे की देखरेख भी करनी थी, लेकिन फिर सोचा कि केबीसी तो क्लियर करना ही है। ड्यूटी करने के बाद घर पहुंचते बेटे को सुलाते और उसके बाद जो भी समय मिलता उसे पढ़ाई में लगाती। करीब 1 माह तक केबीसी के लिए तैयारी की। उन्होंने बताया कि 22 मई को केबीसी से फोन आया था। पहला कॉल आने पर लगा कि कोई फ्रॉड कॉल आया, लेकिन कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने कोई बैंक डिटेल और पर्सनल जानकारी नहीं मांगी, तो लगा कि सही कॉल है। आगे 29 जून को केबीसी के लिए इंटरव्यू भोपाल में हुआ। इसके बाद सिलेक्शन हुआ और 25 अगस्त को हॉट सीट तक पहुंच गई। पहले प्रयास में हॉट सीट तक पहुंचने पर मैं खुद पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, ऐसा ही निमिषा ने बिग बी के साथ हुए मजा की पलों का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि केबीसी में हॉट सीट पर पहुंचने के बाद यकीन हुआ कि अमिताभ बच्चन काफी मजाकिया शख्स है, उनका नेचर अलग है। उनसे मिलने के बाद भी मैं उनकी फैन हो गई। मैं शो में सवाल करने के पहले उन्होंने मजाक के तौर पर मुझसे कहा कि आप पुलिस वाली हो, डर डर कर सवाल पूछना पड़ेगा और सैल्यूट भी करना पड़ेगा। गौरतलब है कि सब इंस्पेक्टर निमिषा अहिरवार सागर संभाग के टीकमगढ़ जिले के गांव उदयपुरा की है। उनके पिता राम प्रसाद रिटायर्ड फौजी है, माँ प्रभा देवी गृहिणी है। छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने पढ़ाई की और सब इंस्पेक्टर के पद तक का सफर तय किया। सागर में मकरूनिया शीत में पुलिस क्वार्टर में परिवार के साथ रहती। उनका कहा, आज मेरे सास ससुर होते तो वो भी बहुत खुश होती और मेरे साथ जाती, लेकिन सास ससुर का करीब 1 साल पहले निधन हो गया था। तो ये थी सबकी अपडेट। इसी तमाम जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। वॉइस ऑफ पीपल। जय हिंद, जय भारत।